बेटे कार्ला किसे कहते हैं? ब्रिटेन, ब्रिटेन सरकार ने जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कार्ला कहा जाता है। कंपोजिटर, सोशल साइंस क्लास 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर 2 मार्कर 3 मार्कर। कंपोजिटर किसे कहते हैं? लिखित सामग्री को मुद्रा अक्षरों में जो व्यक्ति संयोजित करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो सेवाओं को उत्पादन करता है उसे सेवा क्षेत्र कहा जा सकता है। बैंकिंग, बीमा, संचार। कंटेनर किसे कहते हैं? ऐसा पात्र जिसमें वस्तु या द्रव रखने लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई डिब्बा होता है उसे हम कंटेनर कहते हैं। 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम के 3 उद्देश्य लिखो। वन जीवों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है, वन जीवों को सुरक्षा प्रदान की गई है, वन जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग जर्मनी का एक किसान का बेटा था, जर्मनी के एक किसान का बेटा था, है ना। और जो जिनके पापा मतलब वाइन प्रेस और ऑलिव प्रेस, ऑलिव ऑयल का प्रेस था उनका, तो उन्हें प्रेस का नॉलेज था और उन्होंने गोल्ड स्मिथ का काम सीख लिया और पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी इन्होंने। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो कि मूवेबल थी, और इनकी पहली प्रिंटिंग प्रेस पर बाइबल जो बुक छपी थी 1848 में, 1848 में, है ना। और बाइबल की विशेषता थी 180 कापी 3 साल में छपी हुई। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? बेटे औद्योगिक क्रांति का मतलब और मशीन फैक्ट्री आना, फैक्ट्री की ज्यादा स्थापना होना और निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब है किसी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार, तीनों पर, तीन कारकों पर निर्भर करता है। किन्हीं 3 सार्वजनिक उद्योगों के नाम बताइए। सार्वजनिक उद्योग, भिलाई इस्पात उद्योग, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग, भोपाल जीवन बीमा निगम। 3 निजी उद्योगों के नाम, बिल्कुल, पार्ले जी बिस्किट, माकोस रिफाइंड तेल, कोको कोला। संचार के 5 साधनों के नाम लिखो। संचार जिनके द्वारा हमें सूचनाएं आसानी से प्राप्त होती है उसे संचार के साधन कहते हैं, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक? बेहतरीन क्वेश्चन बेटे। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं। बेटे पेड़ पौधे की जो लाइफ होती है उसे फना कहते हैं, जीव जंतु की लाइफ को फ्लोरा कहते हैं। फना प्लांट लाइफ और एनिमल्स लाइफ मिलकर बायोडायवर्सिटी बनाते हैं, लेकिन बायोडायवर्सिटी होने से ही क्या होता है, फसल होती हैं, वातावरण शुद्ध होता है और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो अच्छा वातावरण, भोजन, भोज्य पदार्थ हमें बायोडायवर्सिटी के कारण ही प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, और हमारा वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए मानव के लिए बायोडायवर्सिटी का बहुत ज्यादा महत्व है। जैव विविधता, रबी और खरीफ की फसलों, प्रमुख फसलों के नाम, गेहूं, जौ, चना, सरसों। खरीफ की फसल प्यारे बच्चों चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना। रोपण कृषि की 2 विशेषता, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य कृषि होती है, यह लंबे चौड़े एकल क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। गिल्स क्या थे? शहरी क्षेत्रों में गिल्स के 2 कार्यों का लिखो। गिल्स उत्पादकों का एक संगठन था जो कि
जो कि कारीगरों को प्रशिक्षण दिया करते थे और व्यापार पर नियंत्रण करते थे, बाजार पर नियंत्रण करते थे और नए व्यापारी को आने से रोकते थे। गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी था जो बुनकरों पर निगरानी के लिए इसकी अंग्रेजों ने नियुक्ति की थी। बुनकरों से माल तैयार कर उन्हें एडवांस देता था, उनसे माल तैयार करवाता था और अपने माल की क्वालिटी चेक करता था। ये गुमास्ता के कार्य हैं। बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से ये सिलाट है। बांगर और खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बांगर जो ऊंचे भागों में पाया जाता है, इसके कण मोटे होते और ये कम उपजाऊ होती है, और खादर के कण बारीक होते हैं, ये अधिक उपजाऊ होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। जैव अजैव संसाधन, प्यारे बच्चों, जैव इन संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें जीव व्याप्त होते हैं, जैसे कि मनुष्य एक जैविक संसाधन है और पेड़ पौधे भी जैविक संसाधन है। अजैव वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टाने और धातुएं। ओके, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है और आने वाली जनरेशन पीढ़ी का अनदेखी ना हो, इस प्रकार के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। डिजिटल भारत क्या है? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है, जिस डिजिटल भारत में के द्वारा भारत का जो टैलेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल के भारत कैसा होगा, है ना? एक तो अपने देश की प्रतिभा, इंडियन टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया टुमारो से संबंधित होता है, और इससे हमारे देश के शहर और गांव को, सभी को जोड़ना हमारा उद्देश्य है। ये एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम है। पांडुलिपि क्या थी? पांडुलिपि मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी, या ताड़ के पत्तों से पर बने होते थे, या कागज पर नकल करके बनाई जाती थी, हाथों से लिखा जाता था, उन्हें पांडुलिपियां कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर, अनुबंध मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। 19वीं सदी में भारत से दूसरे देशों में काम कराने के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर की संज्ञा दी गई। नई दास प्रथा के रूप में वर्णित किया जाता है और इन्हें वेस्ट इंडीज, गुआना और फिजी भेजा जाता था। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी सतह का पानी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण पूछे तो पहला कारण लिखना अत्यधिक सिंचाई, दूसरा कारण जानवर की अति चराई, पेड़ पौधों को काटना और औद्योगिक प्रदूषण से भी मृदा अपरदन होता है। बेटे याद रखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, बहुत ही प्यारा सिलाट दे रहा हूँ। 2 मार्कर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी से बनेंगे। भूमि निम्नीकरण की समस्या दूर करने के 2 उपाय, चारागाह का उचित प्रबंध करना, पशु चारण को नियंत्रण करना और अति सिंचाई ओवर इरिगेशन पर नियंत्रण करना। आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, है ना? जैसे अब मैं आपको बताऊं, लोहा इस्पात उद्योग को के आधार पर मशीनों का निर्माण होगा और मशीनों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संचालन होता है। बहुत ही अच्छा। गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य? गहन जीविका कृषि
उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है और अधिक मात्रा में जैव रासायनिक पदार्थों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के दो योगदान लिखो। उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। सड़क परिवहन के जो है तीन गुण लिखो, उपाय नहीं गुण लिखो, सॉरी गलती से गुण लिखना चाहिए। सड़क बनाने की लागत कम पड़ती है, सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी किया जाता है, और सड़क के से अपन डोर टू डोर सर्विस, घर घर तक घर पोस्ट सेवा प्रदान होती है। राजमार्ग, राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्ग कहलाती हैं, जिसकी देख रेख है ना PWD डिपार्टमेंट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईटीपाल कौन थे? ईटीपाल एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी के प्रकाशक थे, जिसमें 19वीं सदी में संगीत की किताब का प्रकाशन किया था। पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग मतलब आप ऐसे समझो जो कैलेंडर कैलेंडर आता जिसमें पूरे साल भर की डिटेल होती, तो उसे पंचांग कहते हैं। लेकिन इसको समझना, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारी देने वाला वार्षिक कैलेंडर को ही हम पंचांग कहते हैं। चेक बुक से क्या आशय? बहुत ही प्यारा। तो चेक बुक और चेकमैन से क्या? छोटी पॉकेट साइज की बुक जिसे जेब में रख सकते हैं उसे हम चेक बुक कहते हैं। जो व्यक्ति चेक बुक को बेचता था उसे चेपमैन कहते हैं। व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? सरकार द्वारा माल और सेवा के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? इसी को बच्चों मनरेगा। और मैं इसकी सबसे अच्छी स्टाइल बताता हूँ, फाइव का टेबल, फाइव के टेबल से रिलेटेड है। 2005 में मनरेगा कानून बना, 2005 में पूरा 5 से डिवाइड होगा। बात के लिए 100 दिन का रोजगार गारंटेड रोजगार है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को। 625 जिला, इसमें भी 5 का भाग जाएगा है ना, 625 जिलों में लागू हो गई है। और इस जो मनरेगा का उद्देश्य पूछे तो इससे हमारे देश की गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना। और इस योजना ने जो स्कीम है लॉकडाउन में गरीबों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप सोशल स्टडी में नोट्स वाइज क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा, साइंस भी करूँगा, मैथ्स भी करूँगा, इवन हिंदी, 4 विषय आपको इस चैनल पर ज़बरदस्त मिलेंगे। आपको यह वीडियो, आपको यदि ऐसा लगता है ये वीडियो देखकर मुझे कुछ क्वेश्चन समझ आ रहा है या मेरा फ़ायदा हो रहा, तो आप अपने मित्रों को इस चैनल को शेयर करें। मेरा दावा है 10वीं के 4 विषय में बहुत ही क्वालिटी से पढ़ाऊंगा, सोशल साइंस हिंदी और आपका मैथ्स, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।